तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और पॉलिटेक्निक बीडीयूपी डी फार्मा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीटीपी डिजिटल एजुकेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित। मतलब यहाँ पे फाइनल ईयर के जो परीक्षाएं हैं ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, की तैयारी शुरू हो गई है और इससे रिलेटेड पूरी अपडेट हम जानेंगे क्या है, कैसे है सब कुछ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले हम लेके चलते हैं ऑफिशियल, सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पे दिखा दें आपको कि यहाँ पे देख सकते हैं यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी आयोजित करने जा रही है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग के अपने तकनीकी विश्वविद्यालय जो है AKTU, HBTU और MMUT के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए जो है ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। यूपी तकनीकी शिक्षा सचिव आलोक कुमार ने रविवार को ट्वीट किया कि विभाग पहले अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए और फिर अन्य बैचों के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करेगा। उन्होंने परीक्षा के संबंध में ट्विटर के माध्यम से छात्रों के सवालों का जवाब भी दिया। कुमार ने ट्वीट किया कि ट्वीट कर जानकारी दी कि तीन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हरकोर्ट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट कानपुर और मदन मोहन मालवीय ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर ऑनलाइन परीक्षाएं देंगे। स्टूडेंट के सवाल का दिया जवाब ट्विटर पर एक स्टूडेंट ने के सवाल का जवाब उन्होंने ट्वीट में किया। ऑनलाइन परीक्षा के परीक्षा पहले फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए और फिर अन्य बच्चों के लिए आयोजित की जाएगी। वहीं अधिकांश छात्रों ने ट्वीट कर जवाब दिया और कॉलेजों ने अभी तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करना शुरू नहीं किया है और उन्होंने छात्रों से कॉलेज के विवरण का साझा करने को कहा और जहां ऑनलाइन कक्षाएं शुरू नहीं हुई हैं। मतलब ऑफिशियली जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस नहीं शुरू हुए हैं, तो वहाँ के लिए है। तो इस तरीके से अभी ये टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ पर लागू हो रही हैं और यही ढर्रा जो है अगर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ पे लागू होती है तो BTUP भी अपनाएगा, क्योंकि ऑफलाइन माध्यम से इस टाइम सारे स्टूडेंट्स के जो है एग्ज़ाम्स करवाने मुश्किल हैं और सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन भी एग्ज़ाम ऐसे करवा लेना ये भी बहुत आसान काम नहीं है। तो अगर इस स्तर पे बन जाता है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने का पहले फाइनल ईयर का, तो फिर BTUP भी इस पर अमल लाएगा। और इसके अलावा एक अन्य न्यूज़ भी यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम 2021 उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों की परीक्षाओं पर फैसला जल्द हो CM। तो योगी हमारे CM माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे कहा है कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों की जो परीक्षाएं हैं इस पर जल्द से जल्द फैसला हो। यहाँ पे देख सकते हैं दिया कि उच्च शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा की परीक्षाओं पर फैसला लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बाद टीम की बैठक में कही और सीनियर अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा संबंधित विभाग विश्वविद्यालय से मामले की चर्चा सुनिश्चित कर परीक्षाओं के लिए उचित फैसला लें। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जो हर हाल में छात्र के हित में हो। तो ये देख सकते हैं 13 मई तक जो है तीन वाइस चांसलरों का एक गठन समिति बनाया गया था जो कि अगले सेमेस्टर में छात्रों को प्रमोट कैसे किया जाए इस पर था। यह व्यवस्था सभी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों के लिए होगी। एक अधिकारी के अनुसार कोरोना के मौजूदा हालात भौतिक परीक्षाएं आयोजित कराना कठिन है, इसलिए छात्रों ने प्रमोट करने के लिए समिति बनाई गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों इस टाइम जो है गवर्नमेंट भी अभी इसमें ये कह सकते हैं जो शासन भी है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे कोई पूर्ण जो है डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। तो सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट या अन्य इंस्टीट्यूट और सबकी जो है सबका सामंजस्य बना के कोई सार्थक निर्णय लिया जाएगा बहुत जल्दी, और जब तक निर्णय नहीं आ जाता तब तक कह पाना तो क्लियरली कुछ भी मुश्किल है। हालांकि ऑनलाइन एग्जाम्स की पूरी प्रिपरेशन की जा रही है और उसकी तैयारियां चल रही हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो ऐसे में केवल सभी छात्रों का एक साथ करवाया जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे छात्रों का एग्जाम कंडक्ट करवाना बहुत बड़ा एक समझ लीजिए बहुत बड़ा स्टेप होगा। तो देखते हैं यहाँ पे फाइनल ईयर के फिलहाल सबसे पहले होंगे, तो आप सभी अपना पढ़ाई करते रहिए, तैयारियाँ करते रहें, जैसे जैसे हर एक अपडेट के लिए आपको प्रोवाइड करेगा BTP डिजिटल एजुकेशन। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों।
पढ़ते रहिए और जुड़े रहें हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, नमस्कार, बाय।